Students, in my previous video, I have discussed that how seeds formation takes place and how the fruit formation takes place. The seed is nothing. It is a basis of our agriculture. ठीक है. And what happened? How they are formed? You can see the structure. The structure of seed we have studied yesterday. That is seed coat, endosperm, cotyledon. There is a hypocotyl root axis and the shoot apical meristem. Okay, so this is all about the seed. It is the final product of sexual reproduction. Theek hai, and it is described as the fertilized ovule. Theek hai, so these all are about the seed that we have studied yesterday. In today's video, I am just going to discuss apomixis and the polyembryony. Okay, तो let's see, समझते हैं कि apomixis और polyembryony क्या है और इसका हमारी society के लिए क्या importance है, why it is so much important for us agriculture. ठीक है, तो let's read it. Although seeds in general are the product of the fertilization. हम सबको पता है कि जो seeds जो है वो एक fertilization जो होती है उसका एक result है ना. जो ovules होते हैं वो seed में change हो जाते हैं और ovary किसमें हो जाती है, fruit में change हो जाती है. ठीक है. A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanisms to produce seed without fertilization. कुछ species ऐसी हैं जो कि एक special mechanism अपनाती हैं जिसमें जो seeds होते हैं वो produce होते हैं, वो जो कि fertilization के बिना produce होते हैं. अभी तक हमने पढ़ा कि जो fertilization की process होती है उसके बाद जो ovules होते हैं वो change जाते हैं seeds में, है ना. लेकिन इनके इस केस में क्या हो रहा है, जो seeds हैं वो उनका formation तो हो रहा है पर यहाँ पर fertilization की process नहीं होती है. तो ऐसे सीड्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस प्रोसेस को या इनको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस. ओके, नाउ दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसको हम कह सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस है एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह थोड़ी थोड़ी सी कैरेक्टर्स को शो करता है, सीड फॉर्मेशन शो कर रहा है ना. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. एपोमिक्टिक सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे वेज हैं. कैसे, इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल्स इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इन टू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ओवरी के स्ट्रक्चर में बताया था, जब ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें जो पहला जो होता है मियोटिक डिवीज़न होता है उसमें हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना. तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स यानी कि एन सेल्स होते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है और जो एग सेल्स जो फॉर्म होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, डिप्लॉयड यानी कि टू एन, है ना, पेयर में होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक, सिंगल नहीं होते हैं. मोर ऑफन एज इन मैनी citrus and mango, some varieties, some of the nuclear cells, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and prostitute into the embryo sac and develop into the embryos. मैंने आपको उसमें structure बताया था, nuclear cells जो होते हैं, nuclear cells क्या होते हैं, जो कि germinate करते हैं ovules के formation में, ovaries के formation में, मैक्रोस्पोरेंजियम में मैंने आपको बताया था, मेगास्पोर्स फॉर्मेशन में. तो ये जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एम्ब्रियो सेक में आ जाते हैं और वहाँ आके डिवाइड करने लगते हैं एम्ब्रियो सेक में, और डिवाइड करने के बाद ये एम्ब्रियोज़ में चेंज हो जाते हैं, एम्ब्रियोज़ में डेवलप हो जाते हैं. इन सच स्पीशीज़ ईच ओव्यूल्स कंटेन मैनी एम्ब्रियोज़. क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं और एम्ब्रियोज़ में डिवाइड हो रहे होते हैं इसलिए एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोस फॉर्म हो जाते हैं. और अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी. एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना
क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, मैनी एम्ब्रियोज. मैनी एम्ब्रियोज प्रेजेंट इन अ वन सीड इज कॉल्ड द पॉली एम्ब्रियोनी. ठीक है, एक एक्टिविटी है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि आप एक ऑरेंज ले लीजिए, उसके जो सीड्स हैं उनको निकाल के उनको स्क्वीज करिए, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे एम्ब्रियोज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के और शेप्स के निकल के आएंगे, उनको आप काउंट करिए. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ अ हाइब्रिड वैरायटी. हाइब्रिड वैरायटीज़ क्या है? व्हेन टू वैरायटीज़ आर मिक्सिंग टुगेदर ये आर कॉल्ड अ हाइब्रिड वैरायटीज़. इनका क्या काम होता है? हाइब्रिड वैरायटीज़ के सीड्स को हम यूज़ करते हैं अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, और उनके अंदर एक ये विशेषता भी होती है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ड्यू टू इंसेक्ट्स या ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. ठीक, हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड एज ट्रिमेंडसली इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी. ओके, इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी हमारी हाइब्रिड सीड्स की वजह से. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर. सबसे बड़ी बात यह है हाइब्रिड के साथ भी कि हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन हमको हर साल करना पड़ेगा अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स. अगर हम उन्हीं जो प्लांट्स की जो सीड्स हैं जिनको हमने कल्टिवेट किया है फिर हो गए उन्हीं सीड्स को हम दोबारा करेंगे तो जो एक प्रोजनी में जो एक सेग्रीगेशन होता है वो सेग्रीगेशन नहीं मेंटेन हो पाएगा और जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स हैं वो शो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड एंड हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर. और हर साल अगर हमें हाइब्रिड सीड चाहिए होंगे तो इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इन टू एपोमिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन दी हाइब्रिड प्रोजनी. तो अगर इन हाइब्रिड्स को हम जो है एपोमिक्स के फॉर्म में करेंगे, अब एपोमिक्स में क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती तो जीन्स की मिक्सिंग नहीं हो रही तो हमें वही सेम वेराइटी मिलेगी, है ना. और जब वो वेराइटी मिलेगी तो हमें ज़्यादा नंबर में मिलेगी, पॉली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में मिलेगी. तो इसलिए हम एपोमिक्सिस की इस क्वालिटी को हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं. और देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग दी हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. ठीक, अगर हम इस तरीके से इसको एपोमिक्सिस फॉर्म में यूज़ करें हाइब्रिड सीड्स को तो क्या होगा? फार्मर्स को हर साल नए हाइब्रिड सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो उसको दर साल वैसे ही यूज़ कर पाएंगे बिना हाइब्रिड की वैराइटीज़ में चेंज हुए. बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक सेल इन टू हाइड्रेटेड हाइब्रिड वैराइटीज़. तो इसकी इसी विशेषता के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण एपोमिक्सिस की प्रोसेस को हम हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर रहे हैं और उनके ऊपर रिसर्च भी अभी चल रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड वैराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सकें अपनी कल्टिवेशन, अपनी पैदावार और प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की बढ़ाने के लिए. ओके, सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर बिकॉज आर चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज फिनिश्ड नाउ. In my next video, I'll just give you some revision notes and I will revise the topic with the help of the revision notes. So watch it carefully and then after complete your notes. Okay?